शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों ने आजीविका मळी रहे ते माटे विविध योजनाओ चलावामां आवे छे, जेमां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अने नाबार्डना प्रोग्रामो चलावामां आवे छे। आ योजनाओ अंतर्गत विद्यार्थीओने रहेवानी तथा जमवानी सगवड फ्रीमां आपवामां आवे छे अने विविध विषयोमां तालीम अपाय छे। खेड़ा जिल्लाना पीपलक पासे रोडसेट इंस्टीट्यूट खाते रोडसेट एडवाइजरी कमिटीना अध्यक्ष जिल्ला कलेक्टरनी आगेवानीमां रिव्यू बैठक योजाई हती। आ बैठकमां जिल्ला विकास अधिकारी अने अन्य अधिकारीओ पण उपस्थित रह्या हता, जेमां सेंटरनी कामगीरी अने आवक जावकनी समीक्षा कराई हती। साथे ज तालीम पामता विद्यार्थीओमां केटला आत्मनिर्भर बन्या तेने लई पण मंथन करायुं हतुं। आ सिवाय अन्य कया नवा कोर्स शरू करी शकाय तेने लईने पण चर्चा कराई हती। आ बैठकमां गीताबेन सोलंकीनું સન્માન કરાયું હતું। ગીતાબેન આ રોડસેટમાંથી તાલીમ પામી સખી મંડળ ચલાવી રહ્યા છે। તેમના મંડળની વિવિધ આઇટમોનું વેચાણ દિલ્હીમાં આયોજિત પ્રદર્શનમાં થયું હતું। हर तिमाही में हुए प्रोग्राम्स की यहाँ पर समीक्षा की जाती है, जिसमें यह देखा जाता है कि सारी ट्रेनिंग्स सही दिशा में जा रही हैं कि नहीं। सरकार द्वारा जितनी योजनाएं हैं उसके तहत जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनको सही तरीके से और सही दिशा में ले जाया जा रहा है कि नहीं। श्रीमान कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग के तहत हमें नई गाइडलाइंस दी जाती हैं जिसका हम अनुपालन करते हैं। दिल्ली प्रगति मैदान हमारा स्टॉल हो तो ये स्टॉल हमारे एटलू सरस वेचाण गयू, तो हमारी हेन्डीक्राफ्ट वस्तु एटली सरस वेचाई कि मारे 5.5 लाख न वेचाण थयू अने 7 लाख नो मने ऑर्डर मळ्यो छे। तो आ सांभळीने अमारा कमिश्नर અને અમારા કલેક્ટર સાહેબ પણ અમને બહુ સરસ પ્રોત્સાહિત કરી, રૂટસે સંસ્થાવાળા સાહેબોએ બધા સાહેબોએ મને સરસ રીતે પ્રોત્સાહિત કર્યું, હું એમનો આભાર માનું છું। એટલે મોદી સાહેબને હું ધન્યવાદ કહીશ કે સાહેબ મેં બહુ સરસ કામ કર્યું અમારી લેડીઝ માટે કે અમારું ધ્યાન રાખીને અમને આટલા આગળ વધવાનું પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડ્યું।